एगो शॉर्टकट में बात करो, जब तक है लालू जी बाहर जब तक मोदी कुछ ले पाए उखार। अरे मोदी को 30 साल में जब आरजेडी नहीं टिकने दिया तो मोदी घंटा नहीं टिकने देगा। 30 साल में मोदी कहीं आया बिहार में? 30 साल में आया नहीं आया। तेजस्वी जी जाएंगे जेल अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार तब। हमारे लिए ना मतलब एक सपना होता है हम लोग का जेल में जाना, क्योंकि हमारे जो कृष्ण जी है ना वो जेल में जन्म लिए है। तो एक जो जेल नहीं गया वो यादव कहाँ से हुआ? और नेता तो जेल जाना ही चाहिए, नेता तो जेल जाना ही चाहिए। नेता का मतलब असली नेता वही होता है जो जेल जाता है। तब तो पूरा जेल का व्यवस्था देख के आएंगे तब ना तेजस्वी जी बाहर से पूरा फिर सेवा देंगे सबको। अब जहाँ जाएंगे नहीं वहाँ सेवा क्या करेंगे? इसे लालू जी अभी बाहर है ना जी, कहाँ सरकार गिरा लिया 2017 लेखा। अब अगर वही लालू जी जेल में रहते तो 2 मिनट में पलट जाता पलटूरा। माझी जी भाजपा में जाने से पहले आरजेडी के साथ था ना जी, जब आरजेडी से भाजपा में जा सकता है तो भाजपा से आरजेडी में क्यों नहीं आ सकता है? ये पलटूराम भाजपा को क्या नहीं बोला था कि मर जाएंगे मट्टी में मिल जाएंगे घंटा में मिल जाएंगे नहीं जाएंगे बीजेपी में? जब वो पलटू राम उसमें जा सकता है पलट के तो जीतन राम माझी तो बेचारा अच्छे नेता हो तो दुगो घटेगा, तो दुगो के मंत्री बना दिया जाएगा, दुगो के मंत्री बना दिया जाएगा। दुगो घट रहा है विधायक तभी भी माझी जी के मंत्री बनाएगा जेडीयू वाले के, नहीं होगा तो बीजेपी वाला विधायक खींचेंगे। जेडीयू को छोड़िए बीजेपी के विधायक, इतना आसान है जी बीजेपी को तोड़ लेना, मोदी जी को तोड़ लेना। जैसे लालू जी के ले जाएगा वैसे नीतीश को ले जा रहा है ना, वैसे ही उनका भी ले आएगा लालू जी। इतना कौन कर रहा है? मान लेते हैं कि आपके तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में फिर भाजपा कहेगा कि जंगल राज आ गया जादू जी लू के राज में। मोदी से बड़का कोई जंगल राज है? लॉरेंस बिश्नोई कहा इंडिया में है ना, मोदी के राज में पूरा इंडिया जंगल राज है, सिर्फ बिहार छोड़ के जहाँ पर आरजेडी की भी सरकार। क्या बात करते, लॉरेंस बिश्नोई भाई, पूरा इंडिया जंगल राज है मोदी के राज में। बिहार में क्या, बिहार में कोई बड़ा गुंडा नहीं है? दाऊद इब्राहिम मुंबई में पैदा लिया, वहाँ साला मंगल राज है। दिल्ली में दीना दिल्ली से रेप कर देता है, रोड पे मार देता है लड़की को, वहाँ मंगल राज है। यूपी में जाकर हॉस्टल में लड़कियों को रेप कर देता है, वहाँ मंगल राज है। बिहार में अगर आप किसी लड़की को छेड़ के देखिए 10 जनता आपको पीटने आ जाएगा, दिल्ली में तो खुलेआम पीट रहा होता है। 10 नंबर राबड़ी आवास के बाहर है और सभी को ही को पता है कि अगले 24 से 48 घंटे में बिहार की सरकार बदल सकती है। नीतीश कुमार हो सकता है कि भाजपा के तहत मुख्यमंत्री रहे, या हो सकता है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहली बार शपथ ग्रहण ले ले। पूरे विधायक लोगों को बुलाया गया है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। जदयू के विधायक भी पूरा मीटिंग कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव थोड़ा देर पहले 5 नंबर जो तेजस्वी यादव का आवास है वहाँ पर गए हैं। विनय बिहारी साहु जी है, क्या लग रहा है जी इस बार नीतीश कुमार भाजपा के साथ सेट हो जाएंगे? अरे भैया वो तो सेटे होबे करते हैं, अभी फेट होते हैं। पहले सेट होवेंगे फिर गेट होवेंगे, आगे पीछे करते रहते हैं, उनका काम ही है। और सुन लीजिए, आज अगर हैं सरकार है और सरकार में है, नहीं कहीं जाते हैं बने रहते हैं अच्छा है, और चले जाते हैं तो 110% अच्छा है। क्यों? ये जुगाड़ की सरकार है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा, प्योर निछक्का सरकार आएगा। आग अंदर है, आग हम लगाएंगे 200% परिश्रम पुरुषार्थ करके अपना सरकार लाएंगे। हम बताना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं, किसी ने विधानसभा में कहा था, नाम नहीं लेते हैं, नाम है विनय बिहारी, बोलने की बीमारी, बिना बोले समझाते हैं, इतिहास खोल के बताते हैं। 2014 में किसी ने विधानसभा में कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे, अब वहाँ नहीं जाएंगे। यह वहाँ का मतलब वही, वही भाजपा में नहीं जाएंगे किसी ने कहा था। उसके बाद फिर कहा था ये अक्टूबर 2022 मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। फिर आज के 1 साल दो दिन पहले 30 जनवरी को 2022 को कहा था, हमको सब याद आता है। हाँ, बोलिए ना। 30 जनवरी 2022 को कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे। हाँ। रहे ना रहे हम, हाँ। पर हम समाजवादी लोग हैं, शुरू से समाजवादी के लिए रहे हैं, लड़े हैं और रहेंगे, लड़ेंगे और मिलकर करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि सरकार किसका बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बताइए खुल के। सरकार किसी का बनेगा, हाँ। पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा। अरे कैसे बताइए ना, कैसे आप बताइए, हाँ। कितना घट रहा है, कितना क्यों घटा बताइए? दू को घटेगा अगर माझी जी आ जाएंगे तब। अच्छा सुनिए, अरे उप सीएम से नहीं आएगा, सीएम से आएंगे। कैमरा मैन यादव जी, उप सीएम से नहीं आएंगे, सीएम से आएंगे। के सीएम से आएगा? अरे माझी जी आ जाएगा, सीएम से आ जाएगा यार। माझी जी कैसे आ जाएंगे? माझी जी तो भाजपा के साथ है। वे जो नीतीश जी जा रहे हैं उसमें माझी जी के क्या बोले थे याद? अरे माझी जी भाजपा में जाने से पहले आरजेडी के साथ था ना जी, हाँ। जब आरजेडी से भाजपा में जा सकता है तो भाजपा से आरजेडी में क्यों नहीं आ सकता है? ये पलटू राम
भाजपा को क्या नहीं बोला था कि मर जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, घंटा में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे बीजेपी में। जब वो पलटू राम उसमें जा सकता है पलट के, तो जीतन राम मांझी तो बेचारा अच्छे नेता, तो दुगो घटेगा, तो दुगो के मंत्री बना दिया जाएगा, दुगो के मंत्री बना दिया जाएगा, दुगो घट रहा है विधायक, तभी भी मांझी जी के मंत्री बनाएगा जेडीयू वाले के, नहीं होगा तो बीजेपी वाला विधायक खींचेंगे, जेडीयू को छोड़िए बीजेपी के विधायक। कैसे इतना आसान है जी, बीजेपी को तोड़ लेना, मोदी जी को तोड़ लेना, जैसे लालू जी के ले जाएगा वैसे नीतीश को ले जा रहा है ना, वैसे ही उनका भी लिया गया लालू जी। इतना कौन करेगा, एगो शॉर्टकट में बात कर रहे हैं, जब तक है लालू जी बाहर जब तक मोदी कुछ ना पाए उखाड़। ए जादव जी सुनिए ना, कहाँ से आए हैं, कहाँ पटने में रहते हैं, पटने में रहते हैं। अब जरा हमको बताइए कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, मान लेते हैं कि आपके तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में फिर भाजपा कहेगा कि जंगल राज आ गया जादव जी लोग के राज में। मोदी से बड़का कोई जंगल राज है, लॉरेंस बिश्नोई कहाँ इंडिया में है ना, मोदी के राज में पूरा इंडिया जंगल राज है, सिर्फ बिहार छोड़ के जहाँ पर आरजेडी की भी सरकार है। क्या बात करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई से कम पे है भाई, पूरा इंडिया जंगल राज है मोदी के राज में। बिहार में क्या, बिहार में कोई बड़ा गुंडा नहीं है, दाऊद इब्राहिम मुंबई में पैदा लिया, वहाँ साला मंगल राज है, दिल्ली में दीना दिल्ली से रेप कर देता है, रोड पे मार देता है लड़की को, वहाँ मंगल राज है, यूपी में जाकर हॉस्टल में लड़की को रेप कर देता है, वहाँ मंगल राज है। बिहार में अगर आप किसी लड़की को छेड़ के देखिए, दस जनता आपको पीटने आ जाएगा, दिल्ली में तो खुलेआम पीट रहा होता है, दिल्ली में भले दिल, अरे अभी बस सरकार अपना है और रहेगा सरकार, अपना सरकार कैसे आएगा जी, पूरा फेफरी पड़ल है जादव जी लोग। अरे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा ना, तो जीतन राम मांझी बनेगा, सरकार आरजेडी के पास रहेगा। मुख्यमंत्री कौन कौन बन सकता है, अरे मुख्यमंत्री कोई रहे, पावर में आरजेडी रहेगा, कभी भी। सुनिए ना, भाग कहला रहे हैं आपको, कहाँ जा रहे हैं जी, आपको बुझा था विधायक बनाएंगे तेजस्वी जी। देखिए बोलने में कुछ ज्यादा बोल देते हैं, थोड़ा आपको डर लग रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार आपको जेल डाल दे। यादव जी डरने वाले हैं, अरे जेल तो हमने के ससुराल है यार, जेल तो जाला हूँ तो। अभी तेजस्वी जी जाएंगे जेल अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार, तब 30 तारीख को नित्यानंद राय बोले हैं, जेल हमारे लिए ना मतलब एक सपना होता है हम लोग का जेल में जाना, क्योंकि हमारे जो कृष्ण जी है ना वो जेल में जन्म लिए है, तो एक जो जेल नहीं गया वो यादव कहाँ से हुआ। और नेता तो जेल जाना ही चाहिए, नेता तो जेल जाना ही चाहिए, नेता का मतलब असली नेता वही होता है जो जेल जाता है, तब तो पूरा जेल का व्यवस्था देख के आएंगे, तब ना तेजस्वी जी बाहर से पूरा फिर सेवा देंगे सबको। अब जहाँ जाएंगे नहीं वहाँ सेवा क्या करेंगे, क्या बात कर रहे हैं कि जेल जाएंगे, जेल कौन जाता है, घोटाला करने वाला लोग जाता है। घोटाला कहा, किधर घोटाला देख लो, लालू यादव के ऊपर आरोप लगा कि चारा घोटाला किए, कोई चारा घोटाला नहीं हुआ, लालू जी को आरोप नहीं लगा, वो डर गया बीजेपी, बीजेपी बीजेपी डर गया। अच्छा, इसीलिए वो कैसे भी, लालू जी अभी बाहर है ना जी, कहा सरकार गिरा लिया 2017 लिखा, अब वही लालू जी जेल में रहते तो 2 मिनट में पलट जाता पलटूरा। इन्हें जितना घरवा पे लोगवा है, सारा लोग के मुंह पर फेफरी पड़ल है, सारा लोग सियाही पड़ल है कि बाप रे हमर सरकार गया। हम लोग के खुशी के बात है, जो भी नीतीश जी का थोड़ा बहुत इज्जत बचा था ना, अब पलटी मारने के बाद पूरा खत्म हो जाएगा। एकलौता तेजस्वी सरकार ओनली फॉर बिहार में रहेगा, फिर एकलौता तेजस्वी का सरकार रहेगा, लेकिन मोदी जी टिकने नहीं देंगे ना तेजस्वी। अरे मोदी को 30 साल में जब आरजेडी नहीं टिकने दिया, तो मोदी घंटा नहीं टिकने देगा। 30 साल में मोदी कहीं आया बिहार में, 30 साल में आया नहीं आया, 5-10 साल में मोदी जी मर जाएंगे। सब स्टेटमेंट ऐसे प्रधानमंत्री को आप ऐसे बोलिएगा, वो छोड़ दीजिए भाजपा का बात करिए ना, उम्र हो गया है 5-10 साल में मोदी जी जो है रिटायर कर जाएंगे, तो और ही लोग आएंगे ना जी, जोगी जी आएंगे, जोगी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, सम्राट चौधरी आएंगे, सम्राट देखिए भाई बताइए, तनी मोगी जोगी की बात करते ना थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है, कहाँ लगी सम्राट चौधरी, जब मतलब हमारे घर के मुर्गी दाल बराबर, वो तो अपने हैं, अपन है। अरे तो लालू जी ने बनाया है उसको, सब पगड़ी बने बोले हैं कि बिहार में जितना नेता है ना भाई, जो भी विरोधी में है सबके लालू जी बनाया है, लालू के देन है कि राज कर तारे, सब लालू के देन है, लालू के पूछ लीजिए उससे, अगर थोड़ा भी शर्म होगा तो जरूर बोल देगा। तो लालू जी का देन, जब सभी कोई को मुख्यमंत्री बना सकते थे, अपने बेटवा को मुख्यमंत्री काहे नहीं बना लेते हैं। लालू जी परिवारवाद नहीं करते, लालू जी अपना वो नहीं करते, लालू जी ये सोचते है कि बिहार कैसे चले, बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2017 में ही बना लेता। लेकिन लालू जी मान के पक्के है, अच्छा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अरे जो लालू जी मुख्यमंत्री रहा, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहा, उसका बेटा ना बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, पावर में तो वही कब बनाइएगा लो, ये बताइए, अगर अभी नहीं बन पाए, अभी चूक गए गलती से भी, चूकेगा ही नहीं यार, नीतीश जी पलटी मारेगा मुख्यमंत्री बनेगा, चूकने के कोई सवाल नहीं होता है। नीतीश जी हम चाहते कि पलटी मार दे, अब नीतीश जी पलटी मारेगा, अब तेजस्वी जी सीएम बनेगा, या तो किसी और को मौका मिलेगा, अपना ही पार्टी में मिलेगा जीतन राम मांझी के, थोड़ा बहुत बढ़ेगा नहीं नीतीश जी के लेके, थोड़ा बहुत हम भी शुरू से ही दिक्कत में थे, क्यों मिल गया उससे, लेकिन मिल गया तो बहुत अच्छा काम भी हुआ,
मिला तो नौकरी मिला। हाँ तेजस्वी जी काम किए। हाँ। अब इनको लग गया कि तेजस्वी जो काम कर रहा है ना, हाँ, मेरा जो भी चेहरा खराब हो जाएगा। हाँ। वो उसने पलटी मारा, लेकिन उसको पता नहीं, नहीं घर के रहेगा नहीं घाट के रहेगा। हाँ। मोदी के गोदी में कई दिन खेलवा, जब दर्द हो तो लालवे जी से बोलवा। जी अल्लाह, क्या नाम है आपका बता दीजिए? सूरज यादव। सूरज यादव कहाँ से है? पटना से है। हाँ, तो सूरज यादव है पटना से है, 10 नंबर आबड़ी आवास के बाहर में खड़े हैं। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि जीतन राम मांझी बन जाए, तेजस्वी यादव बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बाकी इधर विनय बिहारी साउथ है, ये भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।